एक बहन ने बताया, इतनी गरीब है वो, रोहतक में घर है उसका, इतनी गरीब है वो, उसने मकान बनवाने के लिए एक गरीब वर्ग के लिए सरकार की कोई स्कीम है और वो कुछ मटेरियल दे देते हैं, उस मटेरियल लेकर के उसने सरकार से और वो मकान बनाया। उसके पति ने 12,000 रुपए लोन लिया था बैंक से और 12 वर्ष हो गए थे। अब उस लड़की ने सोचा कि मैं वो अकाउंट करवा लूं, कितना पैसा हो गया, लेन देन ने तो है नहीं, परंतु नू तो देख लूं कितने से, कभी मालिक दया करे उनके थोड़े थोड़े देना शुरू करूं। तो वो गई बैंक में, उस अकाउंट नंबर से उसने कंप्यूटर से देखा, अपना बैलेंस देखना चाहा, तो कंप्यूटर ने निल रिपोर्ट करी कि आपका कोई बैलेंस नहीं। मैं फिर वहां अंदर बैंक में गई, उन कलर्कों से कहा, उन्होंने भी फिर उसमें डाल कर देखा, कहने लगे बहन जी तेरा कोई बैलेंस नहीं। वो कहने लगी मेरा बैलेंस है, मेरे पैसे हैं, हमने 12 वर्ष हो गए ये अकाउंट मेरा है। तो वो कहने लगी, मैं फिर हमारा उस मैनेजर के पास गई, मैनेजर ने भी वो डाल कर देखा कंप्यूटर उसमें, तो उसका भी नेट रिपोर्ट आई और वो फिर भी कह रही है जी मेरे पैसे हैं, मैंने देना है, अभी तो दे नहीं सकती, मैं अपना हिसाब चाहती हूँ। कहते मुझे बाहर निकाल दिया कि तू सिर में दर्द मत कर बहन, तेरा कोई पैसा ही नहीं है और ये रिपोर्ट रही हमारे पास, उन्हें लिख कर दे दिया तेरा कोई बैलेंस नहीं। वह रो रही और बता रही, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे उस बहन के। बैंक का भी पूरा कर दिया परमात्मा ने और उस बेटी का भी दुख दूर कर दिया। फिर कहती है कि मीटर लगवा लिया और बिजली का बिल भरने का ब्योंत नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं, मजदूरी करती हूं, देखा कि बिल आएगा, पैसा भरने को है नहीं, मीटर पाटेगा। तो उसमें क्या देखा, बिल आया तो उसमें लिखा था कि 700 कुछ रुपए गवर्नमेंट की तरफ तेरे हैं, इस महीने का 2 महीने का बिल भरकर और 700 कुछ रुपए एडवांस गवर्नमेंट में तेरे जमा है, और 54 जमा कराने का ब्योंत नहीं, अभी मीटर लगवाया था 2-3-4 महीने पहले। अब पुण्यात्माओं, इसको भगवान कहते हैं, परमात्मा ऐसे काम क्या करता है। दन्ना भगत ने कहा कर वही थी अर्जवार बनगी, पर आज के कर्महीन और ज्ञानहीन संत नहीं मानते इस बात को, कहते गप्पे मार रखे। नरसिंह जी की हुंडी ले ली झाली परमात्मा ने, वो बैंक ड्राफ्ट कैश कर दिया था, 500 रुपए दे दिया के ये झूठ नहीं है, लेकिन झूठे हम उन्होंने बना दिए जिन्होंने परमात्मा का विधिवत साधना हमें बताई नहीं, ना ज्ञान दिया और ना उस परमेश्वर से हमारा लिंक हो पाया जो ऐसे काम करता है। अब हमें ये याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि तुम मुझ पर विश्वास करना सीखो, तुम अविश्वास कर चुके हो और जब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तुम, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हो सकते। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, पहले तो काल ने यो रोग काटा, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया कि कबीर साहब को भगवान हमें मानकर राजी को नहीं, ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि कोई नो कह कबीर परमात्मा है, 3 बार था सहगा सुनने वाला और कहेगा आपकी भी अकल कहां गई, वो तो एक साधारण सा भगत था, धानक था, जुलाहा था, गरीब आदमी था, वो भगवान, उसके भगवान तो श्री राम थे, श्री कृष्ण थे। अब श्री राम और श्री कृष्ण भगवान किस क्यों माने हमने, क्योंकि श्री राम ने रावण मार दिया, भगवान कृष्ण ने जरासंघ मार दिया, पूतना मार दी, शिशुपाल मार दिया, और भगवान अगर कबीर साहब ने 5-4 मार दिए होते ये भी भगवान से दो जाता। यही कमजोरी है हमारी, हम जब इस बात से परिचित होंगे तो पता चलेगा भगवान के लक्षण और क्या होते हैं, कैसे गुण होते हैं ईश्वर के। पूर्ण है और इनके जब गुणों से हम परिचित होंगे तभी हम इसके गुणगान किया करेंगे। अब लगभग 4 लाख संगत होने वाली है परमेश्वर की, और इसमें एक एक हंस से मिलकर देखो जो 3-4 वर्ष हो गए इस सतगुरु के चरणों में आए, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते, वो एक बताने लग जाएगा ना आपके कान बहरे हो जाएंगे उससे कि रामायण शुरू ना खत्म ना हो, इतने सुख परमात्मा ने दे रखे।
लेकिन फिर भी हम कच्चे पक्के ही चल रहे हैं, जब बिल्कुल दृढ़ होकर चलेंगे फिर ऐसी अनहोनी करेंगी जो अभी आपको सुनाया। तो अब आपको सुनाते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। तो वो बहन जो अभी आपको बता रहे थे, उसने कहा जी मैं अपनी पड़ोसन से कहा करती हूँ, और भी उसके साथ एक दो ऐसी घटना हुई थी। तो वो कहने लगी मैंने एक बार ऐसे कुछ पैसे थे वो मेरे पास, मेरे एक किराया भी नहीं था शर्माने के लिए, और मेरे घर में 500 रुपए दरा उस पे रखे पाए सेल्फ के ऊपर और अखबार के नीचे, और 500 रुपए तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती हमारे घर में कदे इकट्ठे हुए हों। और मैं पड़ोसियों को बताया तो कहती तो तुम अब, पहले मैंने बताया तो वो टाल गई काना पर गए, अब मैंने बताया कि बैंक में मेरा बैलेंस नहीं पाया और ऐसे ये उनके सामने वो जो उसका बिजली का बिल दिखाया, तो न कहती है तुम तो न्यू बकवाद कराया करो, तुमने तो हर सारी समय झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, तुम तो हर समय ऐसी ऊट पटांग बातें करते हो, ये कभी हो सकता है? और वो भी ठीक कहती है क्योंकि उन्होंने अभी आम खाया नहीं है, हमने आम मिल गया हम खा रहे हैं, हम कहते हैं आम मीठा है, वो कहते हैं आम मीठा होता ही नहीं, कमाल की बात है। तो ये स्थिति है। तो यहां परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप ही सुनाते हैं कैसे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, हिंदू और मुसलमान सभी को कहा करते थे कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं ये तुम्हारे सदग्रंथों से परिचित नहीं है, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्र खवाव ये भूले सिरजन हारा। ये वेद जरूर पढ़ते हैं पर इस वेदों के भेद को ये जानते नहीं, और मूर्ति पूजा पर तुम्हें आधारित कर दिया। क्या वेद और गीता जी में लिखा है मूर्ति पूजा करने का या श्राद्ध निकालने का? हिंदुओं को समझाते थे और मुसलमानों को समझाते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम, नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दार, उस दरगाह में धर्म राय है उस दरगाह में, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। मुल्ला कूके बंग सुनावे, मुल्ला कूके बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। तीसो रोजे खून करत हो, तीसो रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है। मूल गवाए चले हो का जी, मूल गवाए चले हो का जी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जयगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर जाने ये बाचे पुराण 18, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम।
जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा पान खवावे, भूल गे सरजन हारा वहां तो नहीं है दारुम दारा, नहीं है दारुम। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा झोटा मारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रह अचारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लाग गए जम काला रा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो।